हेलो, आज इस वीडियो में बीकॉम सेकंड ईयर का सेकंड पेपर जो है उसमें टॉपिक हमारा था जॉब एनालिसिस और लास्ट टॉपिक बचा है ये एस्पेक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। पहलू, जॉब एनालिसिस की दो पहलू होते हैं, यानी दो महत्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित होती हैं जिससे बनकर जॉब एनालिसिस बनता है। फर्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन विवरण, और सेकंड, जॉब स्पेसिफिकेशन कार्य विशिष्टता। इन दोनों की डिटेल्स हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जब किसी जॉब से संबंधित कर्तव्य और उत्तरदायित्व का एक जो संगठित और तथ्यात्मक जो विवरण होता है, यानी किसी जॉब को करने के लिए उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से कर्तव्य संबंधित जो भी एक विवरण हमारे पास होगा, तथ्यात्मक रूप से डेटा जो हमारे पास होगा, उसको हम कार्य विवरण कहते हैं। यानी कार्य विवरण में दो चीजें महत्वपूर्ण है, दायित्व व कर्तव्य। किसी कार्य से संबंधित दायित्व व कर्तव्य की जो डेटा है हमारे पास, तथ्यात्मक जो स्टेटमेंट हमारे पास जो है, वो कार्य विवरण कहलाता है। अब बात यह आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि जॉब का शीर्षक ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, उन्हें कोडिंग करना, कोड देना होता है, जॉब का कंक्लूजन सारांश समरी, जॉब से संबंधित ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके लिए शारीरिक मानसिक क्वालिटी कंडीशंस दशाएं, ये सारी चीजें जो है सबका विवरण जो है क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में निष्पादित किए गए कार्य कर्तव्य जो भी होते हैं, हमारे जो ड्यूटीज होती है, उन सबका एक तथ्यात्मक विवरण जो होता है प्रस्तुत किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन, जब जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है तो उसकी सहायता से जॉब स्पेसिफिकेशन किया जाता है, यानी कि बिना इसकी सहायता के हम जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसकी सहायता से ही क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। रही बात की जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या सम्मिलित होता है, जैसा कि बताया गया यहाँ पर कि संपन्न किए गए कार्य के लिए कौन कौन सी न्यूनतम और मानवीय योग्यता चाहिए, यानी कि जो संपादित जॉब आप करेंगे उस जॉब के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, चाहे वो भौतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे शारीरिक हो, जो योग्यता होती है उस मापदंड जो होते हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन सी योग्यता है आज बताइए, देखो आपको कि योग्यता अनुभव, उसका बिहेव, उसकी क्वालिटी, फिजिकल एनालिसिस जैसे कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका भार कितना है, वेट कितना है, ये सारे व्यक्तित्व, आप कैसी क्वालिटी है, पैर की क्षमता है, जोखिम उठा सकते हैं आप या नहीं उठा सकते हैं आप, सोचने की क्षमता कैसी है आपकी, सारी का मानसिक क्वालिटी, आपका एजुकेशन अनुभव, स्पेशल नॉलेज आपकी, डेमोग्राफी एज क्या है, मेल है फीमेल है, किस एरिया का है, पढ़ा लिखा है नहीं है, और साइकोलॉजी जिसमें मानसिक और निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि सारी क्वालिटी जो है किसी विशेष कार्य को करने के लिए होनी चाहिए। तो किसी विशेष जॉब को करने के लिए आप में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी क्या मापदंड है, वो सब स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित होते हैं। और दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं,
जॉब एनालिसिस, यानी कि किसी भी संगठन में जॉब एनालिसिस करने के लिए हमें पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, क्या कर्तव्य है, क्या योग्यता है देखना पड़ेगा। इसके बाद इसकी सहायता से हम जॉब स्पेसिफिकेशन करेंगे, क्यों कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे साइकोलॉजी हो, कोई भी हो। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताई थी मेथड, सर्वे मेथड बताया था आपको, ऑब्जर्वेशन बताया था आपको, रिकॉर्डिंग मेथड भी बताया था मैंने आपको, उन मेथड का यूज करते हुए हम ये सारी जो गतिविधियाँ हैं ये संगठन में पूर्ण करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम हमारे मेन ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं, उनकी कार्य बात बांटी जा सकते हैं, उनकी सैलरी डिसाइड की जा सकती है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए उससे संबंधित कर्तव्य और उत्तरदायित्व का मापन करने के बाद उसको पूरा करने के लिए जो योग्यता का निर्धारण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, जो एनालिसिस। तो ये दो पहलू आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, पहला जो डिस्क्रिप्शन और दूसरा जो स्पेसिफिकेशन। दोनों बड़े कुछ आ सकता है एग्जाम में कि बताइए जो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो आप सीधा बता दो कि जो योग्यता होती है उसकी व्यक्तिक शारीरिक आदि। अब पूछ ले आपसे बताइए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो बता देना कि जॉब से संबंधित कर्तव्य दायित्व, और दोनों का क्या हो गया आपका जॉब एनालिसिस हो गया, यानी जॉब एनालिसिस बताने के लिए आपको दोनों का वर्णन भी करना होगा, तब आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, और दोनों का अर्थ आपको पता है तो आप वर्णन कर देंगे। दोनों बड़े प्रश्न ये पूछता है कि बताइए जॉब एनालिसिस की मेथड बताइए, तो दो मेथड कौन कौन से हैं, पहला सर्वे और दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, नेक्स्ट टॉपिक में नया चैप्टर होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।